अपने YouTube चैनल को आसमान की ऊंचाइयों तक कैसे ले जाएं? नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे 12 प्रोवन स्ट्रेटेजीज के बारे में जो आपके YouTube चैनल को ग्रो करने में मदद करेंगी। देखो, YouTube पे आजकल हर कोई स्टार बनना चाहता है, लेकिन सक्सेस के लिए सिर्फ चाहने से काम नहीं चलता, करना पड़ता है। तो भाई, अगर आप भी अपने चैनल को बड़ा बनाना चाहते हैं, ऑडियंस का दिल जीतना चाहते हैं, तो ये वीडियो एंड तक देखना, बिकॉज ये स्ट्रेटेजीज आपके बहुत काम आने वाली हैं। कंसिस्टेंसी, मेहनत और प्लानिंग की बहुत जरूरत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं ये 12 स्ट्रेटेजीज क्या हैं। सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आप किसके लिए वीडियोस बना रहे हो। अपने टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी एज क्या है, उन्हें क्या देखना पसंद है, यह सब जानेंगे तभी तो सही कॉन्टेंट बना पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गेमिंग वीडियोस बनाते हैं तो आपकी ऑडियंस मोस्टली टीनेजर्स या यंग एडल्ट्स होंगे। ऑडियंस रिसर्च करो, पोल्स करो, कमेंट्स में पूछो, उनकी पसंद को समझो, उनकी लैंग्वेज में बात करो, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करो और उनके साथ एक कनेक्शन बिल्ड करो। ऐसा कंटेंट बनाओ जो उन्हें पसंद आए और वह खुद ब खुद आपके चैनल पे आएंगे। देखो दोस्तों, कॉन्टेंट ही किंग है। अगर आपके वीडियोज में दम नहीं है तो ऑडियंस क्यों आएगी? आपको ऐसा कंटेंट बनाना है जो इंफॉर्मेटिव हो, एंटरटेनिंग हो या फिर आपके व्यूअर्स के किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो। अच्छी रिकॉर्डिंग और एडिटिंग इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करना भी इंपॉर्टेंट है। ब्लरी वीडियो, खराब ऑडियो, ऐसे वीडियोस कोई देखना पसंद नहीं करता। कंटेंट में वैरायटी भी होना चाहिए। लाइव स्ट्रीम्स करो, Q&A सेशंस करो, चैलेंजेस करो, ऑडियंस को एंगेज्ड रखो। दोस्त, आपने कितना भी बढ़िया कंटेंट क्यों ना बना लिया हो, अगर वह किसी को दिखा ही नहीं तो क्या फायदा? यहां पे आता है SEO का कमाल। SEO मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सिंपल भाषा में, अपने वीडियोस को ऐसे ऑप्टिमाइज करना है कि वह YouTube सर्च में टॉप पे आए। वीडियो टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स में रेलेवेंट कीवर्ड्स का यूज करना बहुत जरूरी है। कीवर्ड्स वह वर्ड्स होते हैं जो लोग YouTube पे सर्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुकिंग वीडियो बना रहे हैं चिकन बिरयानी, तो आपके टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स में यह कीवर्ड्स होने चाहिए। SEO को लाइटली मत लो दोस्तों, यह आपके चैनल की विजिबिलिटी बढ़ाने में बहुत मदद करता है। दोस्तों, यह बात तो आप मानेंगे कि कोई भी चीज देखने से पहले हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और YouTube पे आपका थंबनेल ही वह पहला इंप्रेशन है जो ऑडियंस पे पड़ता है। एक अट्रैक्टिव थंबनेल व्यूअर्स को आपके वीडियो पे क्लिक करने के लिए मजबूर कर देता है। थंबनेल डिजाइन करते समय यह ध्यान रखो कि वह आपके वीडियो कंटेंट को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करे। क्लियर एंड हाई रेजोल्यूशन इमेजेस यूज करो और कैची टेक्स्ट ऐड करो जो व्यूअर्स का अटेंशन ग्रैब करे। कलर्स का भी खेल समझ लो। ब्राइट एंड कंट्रास्टिंग कलर्स यूज करो जो थंबनेल को विजुअली अपीलिंग बनाए। याद रखो, एक अच्छा थंबनेल आपके वीडियो के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि सीरियल्स में सस्पेंस क्यों रखा जाता है? क्योंकि वह ऑडियंस को नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मजबूर कर देता है। उसी तरह यूट्यूब पे भी कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। एक रेगुलर अपलोडिंग स्केड्यूल बनाकर आप अपने ऑडियंस में एंटिसिपेशन बिल्ड कर सकते हैं। डिसाइड करो कि आप कितने वीडियोस पर वीक या मंथ अपलोड करोगे और उस स्केड्यूल को फॉलो करो। कंसिस्टेंसी से आपके व्यूअर्स को पता होगा कि कब न्यू वीडियो एक्सपेक्ट करना है और वह आपके चैनल पे आना नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, अपना कैलेंडर निकालो, अपलोड स्केड्यूल सेट करो और उसे स्टिक करो। दोस्तों, सिर्फ वीडियो बनाना ही काफी नहीं है, उसे प्रमोट भी करना पड़ता है। अपने वीडियोस को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे शेयर करो। रेलेवेंट हैशटैग्स का यूज करो जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपके वीडियोस पहुंचे। अपने नीच से रिलेटेड फोरम्स और कम्युनिटीज में भी एक्टिव रहो और वहां पे अपने वीडियोस शेयर करो। दूसरे यूट्यूबर्स के साथ कोलैबोरेट करो, उनके वीडियोस में कमेंट्स करो और उनसे रिक्वेस्ट करो कि वह आपके चैनल को प्रमोट करें। क्रॉस प्रमोशन एक बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेटजी है। आप किसी दूसरे यूट्यूबर के साथ एक कोलैबोरेशन वीडियो बना सकते हैं या फिर उनके वीडियोस में अपने चैनल का मेंशन कर सकते हो। याद रखो, प्रमोशन में कोई शर्म नहीं है। अपने कंटेंट पे बिलीव रखो और उसे दुनिया को दिखाने से मत डरो। दोस्त, आपके व्यूअर्स ही आपकी असली जान है, उनके साथ एंगेज करना बहुत जरूरी है। अपने वीडियोस पे आने वाले कमेंट्स का रिप्लाई करो
उनके क्वेश्चंस के आंसर दो और उनसे फीडबैक मांगो। लाइव स्ट्रीम करो और लाइव चैट में उनसे बात करो। पोल्स क्रिएट करो और उनकी ओपिनियंस मांगो। जब आप अपने व्यूअर्स के साथ पर्सनली कनेक्ट करते हो तो वह आपके चैनल के प्रति लॉयल हो जाते हैं। वह आपके हर वीडियो का इंतजार करते हैं और उसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करते हैं। तो दोस्तों, अपने व्यूअर्स को इग्नोर मत करो, उनसे बात करो, उनसे कनेक्ट करो और उनसे दोस्ती करो। दोस्तों, जब आप स्कूल में एग्जाम देते हो तो रिपोर्ट कार्ड मिलता है ना, उसी तरह यूट्यूब भी आपको रिपोर्ट कार्ड देता है जिसका नाम है यूट्यूब एनालिटिक्स। इससे आप अपने चैनल की परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हो। YouTube Analytics आपको बताता है कि आपके वीडियोस कितने लोग देख रहे हैं, कितने देर तक देख रहे हैं, कौन से वीडियोस ज्यादा पॉपुलर हैं, आपके व्यूअर्स कौन से कंट्री से हैं और भी बहुत कुछ। इन सब डेटा को एनालाइज करके आप अपने कंटेंट स्ट्रेटजी को इम्प्रूव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखते हो कि आपके कुकिंग वीडियोस ज्यादा पॉपुलर हैं तो आप और ज्यादा कुकिंग वीडियोस बना सकते हो। तो दोस्तों, यूट्यूब एनालिटिक्स को अपना दोस्त बनाओ और उसे रेगुलरली चेक करो। यह आपको अपने चैनल की ग्रोथ के लिए वैल्यूएबल इंसाइट्स देगा। दोस्तों, अकेले में मजा नहीं आता, साथ में तो धूम मचती है। उसी तरह YouTube पे भी कोलैबोरेशंस बहुत बेनिफिशियल होती हैं। दूसरे यूट्यूबर्स के साथ कोलैबोरेट करके आप एक दूसरे के ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं और अपने सब्सक्राइबर बेस को इंक्रीज कर सकते हैं। अपने नीच के दूसरे यूट्यूबर्स को मैसेज करो और उनसे कोलैबोरेशन के लिए पूछो। एक साथ वीडियो बना सकते हो, एक दूसरे के चैनल्स को प्रमोट कर सकते हो या फिर एक दूसरे के वीडियोस में गेस्ट अपीयरेंस दे सकते हो। तो दोस्तों, दूसरे यूट्यूबर्स को अपना कंपेटिटर मत समझो, उन्हें अपना फ्रेंड बनाओ और साथ में ग्रो करो। दोस्तों, यह दुनिया बहुत तेज बदल रही है और यूट्यूब ट्रेंड्स भी। आज जो ट्रेंडिंग में है कल वह आउटडेटेड हो जाएगा, इसलिए जरूरी है कि आप अपने निच के लेटेस्ट ट्रेंड्स के साथ अपडेटेड रहो। YouTube पे क्या चल रहा है, लोग क्या देखना पसंद कर रहे हैं, इस बारे में जानकर आप अपने कंटेंट को रेलेवेंट बना सकते हो। ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे वीडियोस बनाओ, करंट इवेंट्स पे अपना ओपिनियन शेयर करो और वायरल चैलेंजेस में पार्टिसिपेट करो। लेकिन यह बात ध्यान रहे कि सिर्फ ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे ही डिपेंड मत रहो। तो दोस्तों, अपडेटेड रहो, इन्फॉर्म्ड रहो और अपने कंटेंट को फ्रेश और एक्साइटिंग बनाए रखो। दोस्तों, अगर आपकी दुकान अच्छी नहीं लगेगी तो कस्टमर अंदर आएगा क्या? बिल्कुल नहीं। उसी तरह आपका यूट्यूब चैनल भी आपकी दुकान की तरह है, उसे अट्रैक्टिव और ऑर्गेनाइज्ड बनाना बहुत जरूरी है। अपने चैनल को कस्टमाइज करो, एक अट्रैक्टिव बैनर इमेज लगाओ, चैनल ट्रेलर ऐड करो जो न्यू व्यूअर्स को आपके चैनल के बारे में बता सके। प्लेलिस्ट बनाओ जिससे व्यूअर्स को आपके वीडियोस को नेविगेट करना आसान हो जाए। तो दोस्तों, अपने चैनल को इग्नोर मत करो, उसे टाइम और अटेंशन दो और उसे एक प्रोफेशनल लुक दो। दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखना कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। उसी तरह यूट्यूब पे सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती, पेशेंस और परसिस्टेंस बहुत जरूरी है। शुरू में शायद आपको ज्यादा व्यूज ना मिले, सब्सक्राइबर्स कम इंक्रीज हो, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है। मेहनत करते रहो, कंटेंट इंप्रूव करते रहो और ऑडियंस से एंगेज करते रहो। तो दोस्तों, हिम्मत मत हारो, अपने ड्रीम्स को चेस करो और एक दिन यूट्यूब स्टार बन जाओ। तो दोस्तों, ये थी 12 प्रूवन स्ट्रेटजीज जो आपके यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में मदद करेंगी। इन्हें फॉलो करो, अपना बेस्ट डू और देखना एक दिन आप भी सक्सेसफुल यूट्यूबर बन जाओगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको कौन सी स्ट्रेटजी सबसे ज्यादा हेल्पफुल लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग, कीप इंस्पायरिंग।